अस्सलामुअलैकुम। बिरयानी पुलाव मंदी सब कुछ भूल जाएंगे जब आप ये डिलीशियस फ्लेवर्ड राइस विद चिकन स्टीम रोस्ट बना के खाएंगे। इसका चिकन एकदम जूसी और सॉफ्ट बनता है और राइस का तो क्या ही कहना, हर बाइट में फ्लेवर आएगा इसके। चिकन स्टीम रोस्ट की सबसे आसान रेसिपी है ये, झटपट बन जाती है। ना पानी लेने की ज़रूरत, ना उसके ऊपर वेजल रख के लिड बंद करने की ज़रूरत, मिनटों में बन के रेडी हो जाएगा। और नॉर्मल स्टीम रोस्ट से भी ये बहुत ज्यादा मजे का बनता है। तो चलिए फ्लेवर्ड राइस विद चिकन स्टीम रोस्ट बनाना शुरू करते हैं। चिकन स्टीम रोस्ट की आसान रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े साइज के चिकन के पीसेस। इनका वजन 700 ग्राम है टोटल। इन्हें अच्छे से धो लें, धो के इनमें कट्स लगा लें। कट्स देखिए इस तरह से खरीब खरीब लगा लें, दूर ना लगाएं। इस तरह खरीब कट्स लगाने से मसाले अंदर तक जाते हैं। अच्छे डीप कट्स लगाएं। टर्न करके भी लगा दें कट्स ताकि इस साइड भी मसाले अच्छे से जा सके अंदर तक। देख लें एक बार। इसी तरह दूसरे पीस को भी कट्स लगा लें। अच्छे से कट्स लगाने के बाद चलिए अब हम चिकन के पीसेस को मैरिनेट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालिए, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये 2 टेबलस्पून डाल रही हूं, ये ज्यादा स्पाइसी नहीं होता। इसमें मैंने 4 से 5 चुटकी ऑरेंज फूड कलर भी मिक्स किया है, ये ऑप्शनल है, ये अच्छे कलर के लिए डाल रही हूं। 2 टेबलस्पून यानी 6 टीस्पून याद रखिए। हल्दी डाल दें 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ये आपके पास ना हो तो लाल सूखी मिर्च को दरदरा सा पीस लें, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर है ये, अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो 5 से 6 लहसुन के कलियों को अच्छे से क्रश करके इसमें डाल दें, इसकी खुशबू हमें चाहिए। जीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये देखिए 4 हरी मिर्च, मुट्ठी भर धनिया, मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते, 1 टेबलस्पून गाढ़े दही के साथ पीस लें, ये इसी का पेस्ट है, इसे भी डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अब आखिर में इसमें 1 बड़े से इसके नींबू का रस डाल दें, 3 टेबलस्पून जितना हो गए। सभी इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसे अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये जो कट्स हैं इसके अंदर भी मसाला भरें। चिकन के साथ सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लिड बंद करके इसे 1 घंटे के लिए रख दें मैरिनेट होने के लिए। आप चाहें तो 2 घंटे, 3 घंटे या पूरी रात भी रेफ्रिजरेटर में रख के दूसरे दिन भी इसे बना सकते हैं, ये और भी ज्यादा टेस्टी बनेगा, मसाले अंदर तक जाएंगे। लेकिन अब हमारे पास वक्त कम है तो 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1/2 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वक्त ना हो तो लिड बंद कर दें। 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद चिकन को हमें इसी में पकाना है। थोड़ी देर आप लिड बंद कर सकते हैं, थोड़ी देर ओपन करके चेक करते रहिए, इसे टर्न करिए और पकाते जाइए कंप्लीटली गलने तक। पहले हम फ्लेम को हाई पे रख देंगे। देखिए अच्छे से पक रहा है,
ये बंद करिए थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। इसे ऐसे ही पकने दें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब धीरे से इसे टर्न कर लें। फ्लेम को हाई पे ही रखिए। टर्न करके फिर से हम इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। फ्लेम को हाई पे रख के 2 से 3 मिनट के लिए पकाइए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अगर आपको लगे कि पानी सूख रहा है और चिकन अभी तक नहीं गला है, तो आप एक्स्ट्रा पानी, एक आधा ग्लास या और थोड़ा उससे ज़्यादा डाल सकते हैं। अब दोनों साइड अच्छे से इसे बॉईल करने के बाद फ्लेम को लो पे रखिए। अब लो फ्लेम पे हम चिकन पकाएंगे। देखिए जो स्टीम है इसी में चिकन हमारा गल जाएगा। लिड बंद करके रखिए। इसके लिए हम एक 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। देखिए मैंने इसे फिर से टर्न किया है। अब टर्न करके फिर से पकाइए। ऐसे ही टर्न करते जाइए और इसे स्लो फ्लेम पे यानी लो फ्लेम पे पकाते जाइए। बंद करना ना भूलें। पानी ड्राई हो रहा है और चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। गोश्त हड्डी से अलग हो रहा है। अब इसमें स्पून मत डालिए, बस इसी तरह इसे पकाते जाइए। फ्लेम को हाई पे रखिए। देखिए ये तो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। मसाले नीचे से पकड़ रहे हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और चिकन के पीसेस को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तरह से निकाल लें, देख लें चिकन के पीसेस। अब इस फ्रीजर में जो मसाला है इसे हमें अच्छे से निकाल के एक साइड में कर देना है। और इसमें 4 टेबलस्पून तेल डालिए। तेल हल्का सा गर्म करिए, बहुत ज्यादा नहीं वरना ये मसाले जल जाएंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालिए 1 टीस्पून शाहजीरा, ना हो तो जीरा डाल सकते हैं, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, पत्थर का फूल इस साइज के 2 दालचीनी के पीसेस, 2 हरी इलायची। स्पाइसेस डाल दें। मीडियम फ्लेम पे इन्हें सौते करिए और मसाले भी मिक्स कर दें। फ्लेम को लो पे रखिए। मसालों को जलने ना दें। अब इसमें पानी डालिए। मैंने इस ग्लास से 3 ग्लास चावल 3 से 4 बार अच्छे से धो के भीगने रख दिया है। चावल का वजन 500 ग्राम है तो हम इसमें पानी डालेंगे 4.5 ग्लास 4.5 ग्लास, क्योंकि चावल 3 ग्लास है। 1 ग्लास के लिए 1.5 ग्लास पानी, 1 ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी लगेगा। साइड्स में जो भी मसाले लगे हैं अच्छे से निकालें। चावल में अच्छा टेस्ट आ जाए। इसमें डालिए नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, आधे नींबू का रस, धनिया और पुदीने के पत्ते थोड़े से मिक्स करिए और उबाल आने दें। पानी में उबाल आ चुका है, भीगे रखे चावल डाल दें 3 ग्लास 1/2 किलो। करिए अच्छे से। चावल देखिए हमारे अच्छे से पक रहे हैं। पानी भी सूख गया है। अब फ्लेम को लो पे रखिए, इसके ऊपर लिड बंद करिए। लो फ्लेम पे 5 से 8 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे। अभी ये दम हो रहा है तो हम आखिर में इसमें डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर यानी केवड़ा एसेंस, अच्छी खुशबू के लिए 1 टीस्पून डालिए। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर दें 1 से 2 चुटकी। कलर के लिए एक साइड में हम डालेंगे ग्रीन फूड कलर, पानी में मिक्स करके डाल दें, और एक साइड डालिए ऑरेंज फूड कलर।
एक साइड ही डालिए। फिर से लिड बंद करिए और एक 4 से 5 मिनट के लिए दम पे पकाइए। इसे आप मिक्स ना करें। खिला खिला सा फ्लेवर्ड राइस हमारा रेडी है। फ्लेम बंद कर दें, लिड बंद करके इसे अनडिस्टर्ब ऐसे ही रख दें। देखिए कितना खिला खिला बना है। थोड़ी देर लिड बंद करके ऐसे ही रखिए। अब चिकन की ओर चलते हैं। अब चिकन के ऊपर थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग कर दें दोनों साइड। अब नेक्स्ट हमें तेल गरम करना है चिकन के पीसेस फ्राई करने के लिए। तेल हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लें। अब ये चिकन के पीसेस डाल के फ्राई कर लें। धीरे से टर्न करिए, टर्न करके फिर से फ्राई करिए क्रिस्पीनेस आने तक। चिकन डालने से पहले तेल हमें गरम करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा तेल आप गरम कर देंगे, जैसे ही चिकन डालेंगे चिकन का मसाला जल जाएगा। इसीलिए एक नॉर्मल टेम्परेचर तक ही तेल को गरम करिए। जैसे टर्न करके देख लेते हैं, अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे निकाल लें। देखिए कितना यमी लग रहा है। ऐसे ही करके दूसरा पीस भी फ्राई कर लें। तेल को आप थोड़ा सा ठंडा करके तभी दूसरा चिकन का पीस डालिए। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, फ्लेम बंद करके डालें। ये पीस भी अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब फ्लेम को लो पे रखिए, ऑन करके लो पे रखिए। चलिए हमारे फ्लेवर्ड राइस विद चिकन स्टीम रोस्ट रेडी है। कमेंट में बताएं रेसिपी कैसे लगी। लाइक करें, शेयर करना ना भूलें वीडियो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और इसे जरूर ट्राई करें। ईद के दिन आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है।